दोस्तों वीडियो देखने से पहले अभी हमारे चैनल फंटा किड्स को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। ग्रैनी, मेरी प्यारी प्यारी ग्रैनी, तुम कहाँ हो? मेरी जान ग्रैनी, तुम कहाँ हो? अरे ग्रैनी यहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे हाँ, वो जरूर अपने कमरे में होगी। चलो मैं ग्रैनी के कमरे की तरफ जाता हूँ। ग्रैनी मेरी जान, क्या तुम यहाँ हो? मत बुलाओ मुझे अपनी जान, मैं कोई तुम्हारी जान नहीं हूँ। अरे ग्रैनी क्या हुआ, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? नाराज नहीं हूँ तो और क्या करूँ, काफी दिनों से तुम्हें बोल रही हूँ मुझे नया पेट ला के दो, नया पेट ला के दो, पर तुम हो के मेरी बात मानते ही नहीं। अब मत करो बात मुझसे, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अरे मेरी जान ग्रैनी, तुम्हारे पास पेट है तो सही, वो स्पाइडर, फिर तुम्हें नए पेट की क्या जरूरत है? वो स्पाइडर वो किसी काम का नहीं है, मैं तो उससे बात भी नहीं कर सकती। मुझे एक ऐसा पेट चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं, उसको अपने वश में करके उससे बहुत सारे काम करवा सकूं। अब जाओ, निकल जाओ घर से, और तब तक घर वापस मत आना जब तक तुम मेरे लिए कोई नया पेट लेके नहीं आते। पर ग्रैनी मेरी जान, इतनी रात को मैं घर छोड़ के कहाँ जाऊँ? वो मैं नहीं जानती, जहाँ मर्जी चले जाओ, बस मैंने कह दिया ना, जाओ घर से, दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, जाता हूँ, तुम प्लीज नाराज मत हो। लगता है ग्रैनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है, अब जब तक मैं उसके लिए कोई पेट ढूंढ के नहीं लाता वो मुझे घर के अंदर घुसने नहीं देगी। मैं अपनी कार में बैठ के जंगल की तरफ जाता हूँ, जंगल में देखता हूँ कोई अच्छा सा पेट मिल गया तो उसे गोली मार के बेहोश करके ग्रैनी के लिए लेके आऊंगा। ओहो, ये जंगल तो रोज बरोज घना होता जा रहा है, ये जंगल तो काफी बड़ा हो गया है। चलो मैं कार को यहीं छोड़ देता हूँ। अरे वो देखो, एक टाइगर। इसको ले चलूं क्या? नहीं नहीं, इसको तो लेकर नहीं जा सकता। ग्रैनी ने कहा है कि उसको एक ऐसा पेट चाहिए जिससे वो बात कर सके, लेकिन टाइगर से तो वो बात नहीं कर सकती, ना ही टाइगर उसको जवाब देगा। ओ मेरे शैतान आका, अब मैं ऐसा पेट कहाँ से लाऊं जिससे ग्रैनी बात कर सके और वो उसकी बात भी माने और वो ग्रैनी को जवाब भी दे। अरे ये कैसी आवाज है, लगता है यह किसी के रोने की आवाज है। अरे ये आवाज तो जंगल के बीच में से आ रही है, चलो चल के देखते हैं कि आखिर ये कौन रो रहा है। ओ मेरे शैतान आका, ये कौन है और ये कितना लंबा है, इसकी हाइट तो देखो। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सायरन हेड है और मैं इस जंगल में खो गया हूँ, क्या तुम प्लीज मुझे मेरे घर लेके जा सकते हो? हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरा घर कहाँ है। अरे अरे देखो, रोना बंद करो,
तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो? क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? तुम्हारे घर? हाँ, मेरे घर। मेरा नाम गिरनपा है और मेरी वाइफ का नाम गिरनी है। हम दो लोग अकेले रहते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर चल के हमारे साथ रह सकते हो। हाँ, मैं जरूर आऊंगा गिरनपा तुम्हारे घर। मुझे तो दोस्त की तलाश थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। अच्छा ठीक है, मेरी कार जंगल के बाहर खड़ी है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, ठीक है? अच्छा ओके, ठीक है गिरनपा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। ये देखो सायरन हेड, ये रहा तुम्हारा नया घर। अरे वाह, ये घर तो काफी बड़ा है। हाँ सायरन हेड, अब से ये घर तुम्हारा है, अब से तुम यहीं रहोगे। अच्छा ठीक है गिरनपा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन गिरनपा, तुमने कहा था यहाँ तुम्हारी वाइफ भी रहती है जिसका नाम गिरनी है, वो कहाँ है? अच्छा गिरनी, अच्छा तुम रुको, मैं भी उसे बुलाता हूँ। गिरनी, गिरनी मेरी प्यारी जान, गिरनी मेरी जान, जल्दी से घर से बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लाया हूँ। गिरनी मेरी जान, जल्दी से बाहर आओ। सायरन हेड, बस थोड़ा सा वेट करो, गिरनी अभी आती होगी। गिरनपा, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मुझे बाहर क्यों बुलाया? और ये इतना लंबा जानवर कौन है? गिरनी, ये कोई जानवर नहीं है, इसका नाम सायरन हेड है। मैं इसे जंगल से लाया हूँ, ये जंगल में खो गया था। इसे कुछ भी याद नहीं है कि ये कहाँ रहता था। ये बहुत रो रहा था, इसीलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ तुम्हारे लिए। तुम इसे अपना पेट बना सकती हो, ये तुम्हारी हर बात मानेगा। क्या कहा गिरनपा? क्या सच में, क्या सच में तुम इसे मेरे लिए लाए हो? हाँ गिरनी, मैं इसे तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। अरे वाह गिरनपा, तुम तो बहुत अच्छे हो। आई लव यू। आई लव यू टू मेरी जान गिरनी। अब चलो, इससे पहले कि ये कहीं भाग जाए, जल्दी से तुम इसे अपने वश में कर लो। क्या वश में? नहीं, मैं किसी के वश में नहीं आऊँगा। कौन हो तुम लोग? सायरन हेड, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कौन है हम लोग। सायरन हेड मेरे वश में आ जा तू। सायरन हेड मेरे वश में आ जा तू। अरे नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं बेहोश हो रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। अरे गिरनी, ये क्या किया तुमने? कहीं ये मर तो नहीं गया? नहीं गिरनपा, इसे कुछ नहीं हुआ है, ये अब मेरे वश में है। जैसा मैं बोलूंगी ये वैसा ही करेगा। अच्छा गिरनी, क्या सच में? हाँ गिरनपा, रुको अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो सायरन हेड, उठ के खड़े हो जाओ। बोलो मेरे आका गिरनी, मेरे लिए क्या हुक्म है? देखो गिरनपा, ये कैसे उठ गया है। अरे वाह गिरनी, ये तो सच में तुम्हारी बात मान रहा है। गिरनी, अब तुम इससे क्या करवाओगी? क्या तुम इससे घर के काम करवाओगी? लेकिन ये तो काफी लंबा है, ये तो घर के अंदर नहीं जा सकता। गिरनपा, तुम भी ना बहुत भोले हो। मैं इससे घर के काम क्यों करवाऊंगी? ये तो इतना खतरनाक है, ये मेरे और काफी काम आने वाला है। इसको मैं एक और मकसद के लिए यूज करूंगी। और मकसद? वो क्या है गिरनी? गिरनपा, मेरा तो बस एक ही मकसद है और वो है मोटू पतलू से अपना बदला लेना। क्या क्या गिरनी? मोटू पतलू? हाँ गिरनपा, अब देखो मैं क्या करती हूँ। सायरन हेड। जी मेरे आका गिरनी, बोलो मेरे लिए क्या हुक्म है? सायरन हेड, यहाँ से बहुत दूर शहर में एक घर है, वहाँ मोटू पतलू नाम के दो बच्चे रहते हैं। जाओ और उनको बंदी बना के यहाँ मेरे पास ले आओ। ठीक है मेरे आका गिरनी, जैसा आप कहें। और हाँ सायरन हेड, ध्यान रहे,
उनको जिंदा पकड़ के आना, उनको मारना मत, उनको बस यहाँ लेके आना, मैं उनको खुद अपने हाथों से मारूंगी। ठीक है मेरे आका गिरनी, जैसा आप कहें। अब जाओ जल्दी से और उनको पकड़ के यहाँ मेरे पास ले आओ। अरे वाह गिरनी, तुमने तो ये काफी अच्छा किया। ये सायरन हेड तो बहुत पावरफुल है, ये मोटू पतलू को जरूर पकड़ के ले आएगा। हाँ गिरनपा, मैं जानती हूँ, अब बस ये मोटू पतलू को पकड़ के ले आए, फिर मैं उनको ऐसी सजा दूंगी जो वो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों पता है क्या, सब लोग मुझसे पूछते हैं मोटू जल्दी वीडियो डाला करो, क्यों नहीं डालते? दोस्तों तुम ही बताओ, कोई मुझे सब्सक्राइब नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो मैं वीडियो कैसे डालूं? दोस्तों अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, जल्दी से जल्दी नीचे सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है ना, जल्दी उसको दबा दो और हमारे चैनल फंटा किड्स को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों बताओ सब्सक्राइब कर लिया ना, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोटू पतलू मैं आ रहा हूँ, अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आ हा 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 हा। मोटू मैं ऑफिस जा रहा। ये मोटू भी ना हर वक्त सोता रहता है। मोटू सुन रहे हो, मैंने कहा मैं ऑफिस जा रहा, अपना ख्याल रखना और ज्यादा चॉकलेट मत खाना। अच्छा ठीक है पतलू मेरे दोस्त। दोस्तों पतलू तो ऑफिस चला गया है, चलो मैं भी चल के टीवी देखता हूँ। आज की ताजा खबर, कल रात से शहर में एक बड़े खतरनाक जानवर ने हल्ला बोल दिया है। खतरनाक जानवर? ये कौन सा जानवर है? उसने बहुत सारे घर तोड़ दिए हैं और बहुत से लोगों को जख्मी भी किया है। हमारे कैमरामैन ने बहुत ही मुश्किल से उस जानवर की एक फोटो निकाली है। ये रही उसकी फोटो, गौर से देखिए इस फोटो को, अगर ये आपको कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत वहाँ से दूर भाग जाएं, क्योंकि ये जानवर बहुत ही खतरनाक है। अरे ये फोटो तो जानी पहचानी से लगती है। अरे हाँ ये तो सायरन हेड है, कुछ साल पहले मैं इससे जंगल में मिला था। अरे यार ये कार को भी यहाँ खराब होना था। ओ गॉड अब मैं क्या करूँ, अभी तक तो यहाँ से हमारा घर बहुत दूर है, लगता है अब मुझे यहाँ से आगे पैदल ही जाना होगा। चलो मैं कार को यहीं छोड़ देता हूँ और यहाँ से आगे पैदल चलता हूँ। अरे ये कैसी आवाज है, कहीं ये किसी टाइगर की आवाज तो नहीं है? अरे वो देखो, ये तो सच में एक टाइगर है। ओह गॉड ये मैं कहाँ फंस गया, नहीं टाइगर
प्लीज मुझे मत खाना, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे तुम कौन हो? तुमने मेरी मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, मेरा नाम सायरन हेड है। और तुम्हारा? मेरा नाम मोटू है। सायरन हेड, थैंक यू सो मच। अगर तुम आज टाइम पर नहीं आते तो शायद वो टाइगर मुझे खा जाता। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं मोटू, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा काम है। मैं रोज ऐसे ही काफी लोगों को बचाता हूँ। सायरन हेड, क्या तुम यहाँ जंगल में रहते हो? हाँ मोटू, मैं यहीं रहता हूँ। लेकिन मोटू, तुम जंगल में क्या कर रहे हो? सायरन हेड, मैं जंगल से गुजर रहा था तो रास्ते में मेरी कार खराब हो गई, इसीलिए मैं यहाँ से पैदल जा रहा हूँ। अच्छा मोटू, संभल के जाओ और अपना ध्यान रखना, और कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे आवाज लगाना। ओके सायरन हेड, थैंक यू सो मच, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अरे हाँ दोस्तों, ये तो वही सायरन हेड है जिसने जंगल में मेरी मदद की थी। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे क्या हो गया है? ये इतनी तोड़फोड़ क्यों कर रहा है? लगता है इसे मेरी मदद की जरूरत है। हाँ, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, मुझे सायरन हेड के पास जाना ही होगा। चलो दोस्तों, हम अपनी कैबिन सायरन हेड के पास जाते हैं। लेकिन मैं पतलू को बिना बताए सायरन हेड के पास नहीं जा सकता। ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं काम करता हूँ, मैं पतलू को कॉल करता हूँ। द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट आंसरिंग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अरे दोस्तों, पतलू तो कॉल भी नहीं उठा रहा, लगता है वो ऑफिस के काम में बिजी है। दोस्तों चलो हम सायरन हेड के पास जाते हैं, पतलू पता नहीं कब आएगा, मैं इतना वेट नहीं कर सकता। सायरन हेड को मेरी मदद की जरूरत है, इसीलिए चलो जल्दी से उसके पास चलते हैं। मोटू देखो, मैं घर आ गया। अरे अभी मोटू कहाँ चला गया? सायरन हेड, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इतना तोड़फोड़ कर रहे हो? मोटू तुम यहाँ? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे ढूंढ रहे थे, पर क्यों? मोटू, मुझे मेरे आका गिरनी ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें और पतलू को उसके पास ले जाऊं, इसीलिए मैं कल रात से शहर में तुम दोनों को ढूंढ रहा था। और देखो तुम मुझे मिल ही गए। आ हा 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 हा। क्या कहा ग्रेनी? कहीं ग्रेनी ने तुम्हें अपने वश में तो नहीं कर लिया है? सायरन हेड, मेरी बात सुनो, ये मैं हूँ मोटू, तुम्हारा दोस्त। नहीं मोटू, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम तो बस मेरे शिकार हो। ये लो। चलो, इस मोटू को तो मैंने बेहोश कर दिया है, अब चलो मैं इस मोटू को जल्दी से मेरे आका ग्रेनी के पास ले चलता हूँ। अभी की ताज़ा खबर, जिस जानवर ने शहर में हंगामा मचा के रखा था फाइनली वो शहर छोड़ के जा चुका है, लेकिन सुनने में आया है कि वो अपने साथ एक बच्चे को भी लेके गया है। वो जानवर जंगल की तरफ गया है, सुनने में आया है कि उसका घर जंगल में ही है। अब उस बच्चे के साथ क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अरे ये तो सायरन हेड है, ये तो वही सायरन हेड है ना जिसने काफी सालों पहले मोटू की मदद की थी। अरे हाँ, ये तो वही है, लेकिन इसे क्या हो गया है? इसने पूरे शहर को इतना तेज मैस क्यों कर दिया है? और मोटू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ओ नो, कहीं वो बच्चा मोटू तो नहीं जिसको सायरन हेड जंगल की तरफ लेके गया है? हाँ वो मोटू ही होगा। ओ गॉड, ये क्या हो गया? अब इससे पहले कि मोटू को कुछ हो जाए, चलो मैं जल्दी से जंगल की तरफ जाता हूँ।
दोस्तों मैं जंगल में तो आ गया हूँ, लेकिन यहाँ तो मुझे कहीं भी सायरन हेड या मेरा दोस्त मोटू नजर नहीं आ रहा। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा आगे जाके देखता हूँ, शायद वो लोग मुझे आगे मिल जाए। अरे दोस्तों वो देखो, वो रहा सायरन हेड, और उसके हाथ में तो मोटू भी है। पता नहीं सायरन हेड ने मेरे दोस्त मोटू के साथ क्या किया है। दोस्तों मेरे ख्याल से मोटू बेहोश है। चलो मैं सायरन हेड का पीछा करता हूँ, देखते हैं ये मोटू को कहाँ लेके जाता है। मेरे आका गिरेनी, जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं आ गया। अरे दोस्तों सायरन हेड तो गिरेनी को बुला रहा है, कहीं गिरेनी ने सायरन हेड को अपने वश में तो नहीं कर लिया है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो गिरेनी को आने दो, फिर देखते हैं गिरेनी और सायरन हेड आपस में क्या बातें करते हैं। मेरे आका गिरेनी, जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या हुआ सायरन हेड, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे आका गिरेनी, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह सायरन हेड, तुम मोटू को पकड़ के लेके आ गए हो, शाबाश सायरन हेड। शुक्रिया मेरे आका गिरेनी, अब बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। हुक्म क्या देना है सायरन हेड, जैसे तुम मोटू को पकड़ के लाए हो वैसे ही इसके दोस्त पतलू को भी पकड़ के ले आओ, और कोशिश करो कि उसको जल्दी से पकड़ के मेरे पास ले आओ, ताकि मैं उन दोनों को सजा दे सकूं। ठीक है मेरे आका गिरेनी, जैसा आप कहें। और हाँ सायरन हेड, याद रखना पतलू को भी मोटू की तरह जिंदा पकड़ के ले आना, उसे मारना मत, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। ठीक है मेरे आका गिरेनी, जैसा आप कहें। अब जाओ और पतलू को भी मेरे पास ले आओ। आहाहाहा, इससे पहले कि मोटू होश में आ जाए, चलो मैं जल्दी से इसे पिंजरे में बंद कर देती हूँ। होशी मिशाशु, मोटू पिंजरे में बंद हो जा तू। होशी मिशाशु, मोटू पिंजरे में बंद हो जा तू। मोटू तो मेरे हाथ लग गया है, अब बस सायरन हेड पतलू को भी पकड़ के ले आए, फिर मैं इन दोनों को ऐसी सजा दूंगी कि ये दोनों कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों सुना आपने, गिरेनी ने सायरन हेड को हुक्म दिया है कि वो मुझे भी पकड़ के गिरेनी के पास ले जाए। ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ, मेरा दोस्त मोटू वहाँ पिंजरे में बंद है और सायरन हेड भी मेरी जान के पीछे पड़ा है। दोस्तों मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, अब तो बस एक ही आदमी है जो मेरी मदद कर सकता है, और वो है पहाड़ी वाले बाबा। चलो मैं जल्दी से उनके पास जाता हूँ मदद मांगने के लिए। बाबा बाबा, घबराओ नहीं पतलू, ये बाबा सब जानता है। मैं जानता हूँ कि मोटू गिरेनी के कैद में है और सायरन हेड भी तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। हाँ बाबा आपने बिल्कुल ठीक कहा। बाबा अब आप ही कोई रास्ता बताइए ना, मैं क्या करूँ, गिरेनी से अपने दोस्त मोटू को कैसे बचाऊँ और सायरन हेड को गिरेनी के वश से कैसे आजाद करूँ। देखो पतलू मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ से काफी दूर पहाड़ों के बीच में एक पुराना मंदिर है, उस मंदिर के अंदर एक खंजर है, वो एक जादुई खंजर है। उस खंजर की खास बात ये है कि तुम उससे जैसा कहोगे वो वैसा ही करेगी। तुम्हें उस खंजर को लेके आना है और उस खंजर को सायरन हेड को मारना है। क्या बाबा सायरन हेड को मारना है, लेकिन बाबा ऐसे तो सायरन हेड मर जाएगा ना।
नहीं पतलू, उसे कुछ नहीं होगा। तुम बस उसे मारने से पहले खंजर से कहना कि ए खंजर, सायरन हेड को ग्रेनी की वट से आजाद कर लो। जैसा तुम कहोगे वो खंजर वैसा ही करेगी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं भी उस खंजर को लेके आता हूँ। रुको पतलू, जल्दी ना करो, पहले पूरी बात सुन लो। उस मंदिर के बाहर एक पहरेदार है, वो तुम्हें ऐसे मंदिर के अंदर जाने नहीं देगा। वो तुमसे कहेगा कि इस मंदिर के अंदर जाने के लिए उसको एक मंत्र सुनाओ, तो फिर तुम उसे ये वाला मंत्र पढ़ के सुनाना। डम 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 का ला 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 ला, डम 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 का ला 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 ला। ठीक है बाबा, मैं उसे ये मंत्र सुना दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो दोस्तों, हम जल्दी से उस मंदिर की तरफ जाते हैं। दोस्तों वो देखो, मेरे ख्याल से यही वो मंदिर है। चलो जल्दी से इस मंदिर के अंदर चलते हैं। रुको, इस मंदिर के अंदर जाने के लिए पहले तुम्हें मंत्र बताना होगा। क्या तुम्हें मंत्र आता है? हाँ मुझे वो मंत्र आता है। डम 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 का ला 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 ला, डम 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 का ला 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 ला। ठीक है, अब तुम अंदर जा सकते हो। दोस्तों वो देखो, वो रहा वो जादुई खंजर जिसके बारे में बाबा बता रहे थे। चलो मैं जल्दी से इस खंजर को यहाँ से ले चलता हूँ। दोस्तों खंजर तो मेरे पास आ चुका है, अब चलो जल्दी से मैं जंगल में जाके सायरन हेड को ढूंढता हूँ। दोस्तों वो देखो, वो रहा सायरन हेड। सायरन हेड, सायरन हेड, मैं यहाँ हूँ, जल्दी से यहाँ आओ। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए पतलू, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज सारे नेट, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? लेकिन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे आका ग्रेनी का हुक्म है कि मैं तुम्हें उसके पास जिंदा लेके जाऊं। मैं तुम्हें भी मोटू की तरह मेरे आका ग्रेनी के पास लेके जाऊंगा, फिर वही तुम दोनों को सजा देगी। खंजर, मैं तुम्हें सायरन हेड को मारने वाला हूं, उसको पहले जैसा बना दो, उसको ग्रेनी के वश से आजाद कर दो। सायरन हेड उठ जाओ। अरे पतलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मोटू कहाँ है? थैंक गॉड सायरन हेड, तुम ठीक हो। सायरन हेड, तुम्हें ग्रेनी ने अपने वश में कर लिया था, और मोटू को भी उसी ने पकड़ लिया है। चलो जल्दी से चल के मोटू को बचाते हैं। हाँ पतलू, जल्दी चलो। ग्रेनी, मैं पतलू को लेके आ गया। शाबाश सायरन हेड, आखिरकार तुम पतलू को भी ले आए। अब मैं इन दोनों को ऐसी सजा दूंगी कि ये दोनों कभी नहीं भूल पाएंगे। अरे तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? ग्रेनी, अब सायरन हेड तुम्हारे वश में नहीं है, अब तुम्हारी खैर नहीं। जाओ सायरन हेड, ग्रेनी को मजा चखाओ। नहीं, मुझे कुछ मत करना, भागो यहाँ से। पत्तू मेरे दोस्त, तुम आ गए, तुमने मुझे बचा लिया पतलू मेरे दोस्त। हाँ मोटू, और मोटू मैंने सायरन हेड को भी ग्रेनी के वश से आजाद कर दिया है।
चलो अब घर चलते हैं। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कर दो हमारे चैनल फन टैकर्स को सब्सक्राइब और साथ में बेल वाला आइकन भी दबा देना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत ही जल्दी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा अलविदा यार, बाय बाय।